नमस्कार दोस्तों, मैं अमन राज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अमन सर पे। दोस्तों, आज हम लोग विदेश नीति क्या होता है और उसके निर्धारक तत्वों के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमने इस वीडियो में बहुत ही सरल से शब्दों में इसे समझाने का कोशिश किया है, लेकिन यदि कहीं पे आपको समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। साधारण से शब्दों में विदेश नीति का अर्थ उन सिद्धांतों के समूहों से है जिसका प्रयोग एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को पूर्ति करने के लिए और राष्ट्रीय संबंध को स्थापित करने के लिए अपनाता है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम लोग यह कह सकते हैं कि एक राष्ट्र जो दूसरे राष्ट्र के प्रति अपना नियम बना लेता है उसी को विदेश नीति कहते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान के साथ में कैसा उसका संबंध रहेगा उसके प्रति अपना नियम बना लेता है, अमेरिका के प्रति कैसा उसका संबंध रहेगा या उसका विदेश नीति कैसा रहेगा वो उसके हिसाब से अपना नियम बनाता है, उसी को विदेश नीति कहा जाता है। दोस्तों, अब हम लोग विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में जानेंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं कि विदेश नीति का निर्धारक तत्व तो क्या होता है। दोस्तों, निर्धारक तत्व से हमारा अभिप्राय उन सभी तत्वों से है जो विदेश नीति निर्माण करने में मदद करता है। आइए अब हम लोग विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के नाम के बारे में जानते हैं। जैसे राष्ट्रीय हित, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सैन्य स्थिति, इतिहास एवं परंपरा, विचारधारा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अन्य राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, तकनीकी विकास, जनमत। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही यदि आप विदेश नीति और उसके निर्धारक तत्वों पे और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।